आज हम गॉसस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह है कि हमें डिटरमिन करना है डिटरमिनेशन ऑफ ई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है उसके बारे में डिटरमिन करना है किसी भी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट, टू ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट। हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं इस तरीके से कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास लेट्स से कि एक ये प्लेट है और एक हमारे पास ये प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स को हम जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो बैटरी के जिस टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्ट है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, और वो पॉइंट या वो बैटरी वो जो प्लेट का वो हिस्सा है जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब चूंकि हमें मालूम है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से की जाती है कि वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हैं, यानी कि अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इस तरह से करूँगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। अब मैं ये करती हूँ कि मैं किसी भी एक सरफेस को अगर इस टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान इस तरीके से रख लूँ, इस तरीके से जैसे कि आप इमेज में देख रही हैं कि ये ऑपोजिट चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये जो है नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इसके अंदर मैंने एक सरफेस को इस तरीके से रखा है कि उसका जो वेक्टर एरिया ए है वो ई के बिल्कुल पैरेलल आ जाए, यानी कि मैं अगर एक सरफेस को इस तरीके से रखूं, अगर आप किसी बुक को ऊपर की तरफ उठा के ऊपर की तरफ उठाएं बिल्कुल स्ट्रेट रखें अपने हाथ में तो उसका जो वेक्टर एरिया ए होगा वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि अगर मैं इस सरफेस को पूरी की पूरी, चूँकि यहाँ पर तो हम टू डायमेंशन में बना रहे हैं ना, अगर कोई सरफेस है या कोई बुक हो तो वो तीन डायमेंशन जो है थ्री डायमेंशन में होती है, अब यहाँ पर टू डायमेंशन में है तो जाहिर सी बात है उसका वेक्टर एरिया मैं इसी तरीके से शो कर सकती हूँ। लेट्स से कि ये मेरी वो सरफेस है, ये मेरी सरफेस है जिसे मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ, ये सरफेस इसके अंदर जब मैं प्लेस करती हूँ तो इसका वेक्टर एरिया ए जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया ए जो है वो बिल्कुल ई के पैरेलल आ जाता है। अब चूंकि ये वेक्टर एरिया है, इस सरफेस को हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो जाहिर सी बात है इस सरफेस के ऊपर कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा हम उसे जानते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि ये ई ए है। दूसरी बात ये कि इस सरफेस के अंदर से सिर्फ एक चार्ज नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर रखा है तो इसके ऊपर बहुत से पॉजिटिव चार्जेस हैं। गॉसस लॉ ने हमें ये कहा कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और ओवरऑल जो उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उस सरफेस के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू है, और ये जो कैपिटल क्यू है ये Q1+Q2+Q3 सो ऑन Qn तक का एडिशन होता है, और मोस्टली सम केसेस में हम कैपिटल क्यू को जो है अप्रोक्सीमेटली स्मॉल क्यू के ही इक्वल लिख लेते हैं ताकि हमें इक्वेशन को कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब यहाँ पर जो गॉसस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए वो हमारे पास 1/ε0 इंटू क्यू है, कैपिटल क्यू कह लीजिए या स्मॉल क्यू, और इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू देखें जो कि हमारा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते वक्त उसकी एक्सप्लेनेशन के दौरान इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था जिसे हम लोग बेसिक फार्मूला कह सकते हैं, या बेसिक फार्मूला है जो हमारा वो हमेशा ई ए है, क्योंकि गॉसस लॉ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आगे से एप्लीकेशन है ना, मज़ीद उसको मॉडिफाई करके जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एक डिराइव किया उसे हम लोग कहते हैं कि ये गॉसस लॉ है। अब चूंकि ये सरफेस को मैंने इस प्लेट के अंदर रखा, इस ऑपोजिट चार्ज प्लेट के अंदर इस तरीके से रखा है कि इसका वेक्टर एरिया ए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पैरेलल आ जाए, इस सरफेस के अंदर से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी किसी सरफेस के अंदर से पास करती हैं तो उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देती हैं। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया कि इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल गई जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मॉडिफिकेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एप्लीकेशन है गॉसस लॉ, वो हमें ये बताता है कि चूँकि इस सर्फेस के अंदर से एक नहीं बल्कि लातदाद चार्जेस पास कर रहे हैं, लातदाद चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, तो हर चार्जेस की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 × Q आ जाएगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने की बजाय मैं क्यों ना इस चार्ज की सरफेस डेंसिटी फाइंड आउट कर लूँ, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उसकी सेकेंड एप्लीकेशन में किया था, तो इसकी सरफेस डेंसिटी मैं इस तरह से निकाल सकती हूँ कि जो सिग्मा है वो Q/वेक्टर एरिया, यानी कि किसी भी सरफेस पे, अगर ये कोई सरफेस है इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 and so on, Qn, जितने भी चार्जेस हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, उन चार्जेस को अगर उसके वेक्टर एरिया, उस सरफेस के वेक्टर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमें जो है उस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी बता देता है। अब अगर मैं Q की जगह ये लिख लूँ कि Q जो है वो लिखा जा सकता है σ×वेक्टर एरिया, तो इस तरीके से जो हमारा काम है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं गॉसस लॉ को इस तरीके से लिख लूँ कि जो गॉसस लॉ है, गॉसस लॉ को अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ कि ये बराबर है 1/ε0 × q, यानी कैपिटल Q को अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल q लिख लूँ, तो यहाँ Q को मुझे पुट कर देना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया। चलिए करके देखते हैं कि इसको करने से हमारे पास क्या एडवांटेज निकलता है। Q की जगह अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया लगा दूँ, तो अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो 1/ε0 सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया आ जाता है। इसे मैं मार्क कर लेती हूँ कि ये हमारे पास जो है इक्वेशन ए है, इसे इक्वेशन ए मार्क कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा इस तरह से करके लिखते हैं ताकि हमारे पास जो है जगह बन जाए थोड़ा सा इस तरह से, इस तरीके से हम लिखते हैं कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो σ×वेक्टर एरिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा नहीं बल्कि हमारे पास जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू वैक्टर एरिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ए वेक्टर एरिया आ जाता है। इससे हम लोग मार्क कर लेते हैं इक्वेशन ए। और जो हमें मालूम है अपने मेजर, अपने जो है बेसिक फार्मूला से, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी सरफेस के लिए वो हमेशा ई ए के इक्वल होता है। वैसे तो ये ई डॉट ए है, और ई डॉट ए को जब हम लोग लिखते हैं डॉट को ख़त्म करके, तो हमें ई ए कोस थीटा लिखना पड़ता है। और हमें मालूम है कि सरफेस को चूँकि हम लोगों ने इस तरीके से रखा है कि उसका वेक्टर एरिया ए, उस सरफेस में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल पैरेलल है, जिसकी वजह से यहाँ एंगल जो है वो जीरो आ जाता है। मैं इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी फील्ड में हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तब हम एरो हेड लगाते हैं, लेकिन एरो हेड जो है असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो स्ट्रेंथ को बता रहा होता है ना, इसलिए ई को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह सकते हैं, बल्कि ई को हम लोग कहते ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो इन दोनों का जो वेक्टर, जो डॉट प्रोडक्ट है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ई ए के इक्वल आ जाता है। अब अगर मैं इसे कह दूं कि ये इक्वेशन बी है, तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ई ए इज इक्वल्स टू 1/ε0 σ×a आ जाता है वेक्टर एरिया। यहाँ का वेक्टर एरिया इस वेक्टर एरिया से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो ई है, यानी कि हमारे पास जो ई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसकी जो है हमारे पास निकलती है वैल्यू 1/ε0 × सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गॉसस लॉ की मज़ीद एप्लीकेशन से, गॉसस लॉ से आप किसी भी सरफेस को अगर आपने टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान रखा हुआ है, तो उन दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान रखने से उस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है उसकी वैल्यू आप गॉसस लॉ को इस्तेमाल करते हुए आसानी से मालूम कर सकते हैं।
अब गॉसस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। लेट्स से कि हम लोगों ने जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में कहा कि हमें ई को डिटरमिन करना है किसी भी क्लोज्ड इरेगुलर बॉडी के अंदर, इरेगुलर कह लें या रेगुलर कह लें, किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर जिसके अंदर चार्ज क्यू जो है ज़ीरो हो, तो उस सिचुएशन में तो हमारी जो ई की वैल्यू आई थी, उस ई की वैल्यू उस सिचुएशन में ज़ीरो थी, क्योंकि जब किसी सरफेस के अंदर चार्ज ही ज़ीरो होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो उसका मतलब है उस फील्ड के अंदर या उस जगह के अंदर, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो असल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो जब किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यू है ही नहीं, तो वहाँ पर ई भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो गॉसस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन है उसमें वो ये कहता है कि हमें ई को डिटरमिन करना है आउटसाइड द होलो बॉडी, यानी कि अगर ये कोई होलो बॉडी है जिसके अंदर चार्ज ज़ीरो है और हमें ई को डिटरमिन करना है आउटसाइड द होलो बॉडी, होलो चार्ज्ड बॉडी कहना चाहिए ना, जो जिसके बाहर चार्ज हो, होलो चार्ज बॉडी। तो इस सिचुएशन में आप देखें कि इस सिचुएशन में हम इस तरह से कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में इन चार्जेस की वजह से इस सरफेस के अंदर भी और इस सरफेस के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। क्योंकि हम सरफेस के बाहर मौजूद चार्जेस की बात कर रहे हैं, सरफेस के मौजूद अंदर चार्जेस की वजह से नहीं, क्योंकि अंदर तो चार्ज है ही ज़ीरो, लेकिन बाहर इतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है इन पॉजिटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ बाहर की तरफ तो नहीं होगी, कुछ अंदर की तरफ भी जाएगी, तो जिसकी वजह से इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बाहर मौजूद होने वाले चार्जेस की वजह से। तो बाहर पर जो चार्जेस मौजूद हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो ई ए के इक्वल होगा, क्योंकि हर पैच पे, यानी कि अगर मैं इसे पैचेस में डिवाइड करूँ तो हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई इस तरफ और वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, जिसकी वजह से इनका जो वेक्टर, जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ जाएगा, जो कि ई ए के बराबर है। और अगर ये चूंकि एक इरेगुलर बॉडी है और क्लोज्ड बॉडी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं गॉसस लॉ लगा सकती हूँ। अगर गॉसस लॉ में सिंपल ये लिखूँ कि गॉसस लॉ तो कहता है कि किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर वो इरेगुलर है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू के इक्वल है, इस तरीके से इंटू चार्ज क्यू के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन ए आ जाती है और एक इक्वेशन बी। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करूं तो मेरे पास जो ई ई है वो आ जाता है बराबर 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू। अब अगर यहाँ मैं क्यू की जगह फिर से वही वाला फार्मूला यूज़ करूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमेशा बराबर होती है क्यू डिवाइडेड बाई ए के, यानी कि चार्जेस डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया के, तो इसका मतलब है जो हमारे पास Q है वो जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया एक एक पर निकल आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो E है वो आ जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा A, और यहाँ पर भी A है, ये A इस A से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो E है वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। लेकिन अगर वो हमें ये कह दे कि ये इरेगुलर बॉडी तो है, लेकिन वो साथ में ये भी मेंशन कर दे कि होलो चार्ज बॉडी की जगह, अगर वो ये कह देता आपसे कि यहाँ पे होलो चार्ज्ड स्फीयर है, तो स्फीयर होने की वजह से हमारे पास सिर्फ इतना सा चेंजिंग आनी थी कि ई ए बिकम्स इक्वल 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह, चूँकि स्फीयर है तो स्फीयर के जो वेक्टर एरिया होता है वो 4πε0 होता है, तो 4πr² आ जाता है, और यहाँ पर 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ कि जो ई है इसे 1/ε0 4π को भी नीचे ले जाऊँ और आर को क्यू के नीचे लिख दूँ, आर स्केयर को, इस तरीके से, तो ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये वाला, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है के इक्वल होता है, यानी कि कूलम्स कॉन्स्टेंट के इक्वल, तो जो ई है वो के क्यू बाय आर स्केयर के इक्वल आ जाता है। यानी कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको ई को डिटरमिन करना है किसी होलो चार्ज स्फीयर के बाहर, बॉडी नहीं बल्कि आपको कोई स्फीयर दे दिया जाए,
स्फीयर की वजह से आप जो है वेक्टर एरिया ए की वैल्यू पुट करके यहाँ पर ई को निकाल सकते हैं कि अब उस बॉडी उस स्फीयर के बाहर जो ई होगी, ई जो उस स्फीयर के बाहर मौजूद चार्जेस की वजह से होगी वो के यानी कि कूलम्स कांस्टेंट, जितने चार्जेस हैं वो, और आर स्केयर उस स्फीयर का जो रेडियस है उसके स्केयर के जो है डिवीजन करके या आपको ई की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। तो इस तरह से गॉसेस लॉ को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट चीज़ों के लिए ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।